कुदरत के बड़े करीब हो जाते हैं। मेरे ख्याल में हमारी बात मान ही जाओ, अभी से शुरू करो तो कुछ ज्यादा ही कर लोगे। सबसे पहले तो हो गया मेरा टायर पंचर, इसको लगा है कोई पत्थर। हाफ मिल्क हाफ वाटर। हाँ भाई, बहुत मजे की चाय बना रहे हैं, हमने कर दी है क्लोज। ये हैं जी क्रिम्पॉन्स। تسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا। दुआ फरमाएं। ये सामने शुगरा है, ये रही सीरी, ये रहे पाए, और ये रहा आपका मकड़ा। हमने पहुंचने मकड़ा। इस वक्त मकड़े का व्यू चेक करें आप। ओहो सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। 24 अप्रैल 2023 और हम जा रहे हैं मकड़ा टॉप समिट करने के लिए, और मेरे साथ पहुंच आए हैं इस वक्त फरहान भाई। भाई जान आपका नाम? बिलावल। बिलावल भाई और तीसरे भाई अफाक भाई। ये कराची से एक भाई है, एक इस्लामाबाद से आए हैं, और ये अपने अच्छे वाले बिलाल भाई K2 क्लाइंबर्स का हिस्सा है हमारी टीम के। और हम जा रहे हैं मकड़ा समिट करने के लिए। इस वक्त रात के बज रहे हैं तकरीबन 3:30, तो अभी हम निकल चुके हैं, रोड पे हैं, सफ़र हमारा स्टार्ट है। जाके हमने शुग्राम पाए से ऊपर की तरफ सीरी पाए की तरफ जाना है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके वहाँ से हाइकिंग करनी है। तो बस साथ रहिए, आपको साथ सफर भी दिखाते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन भी देंगे इंशाल्लाह। एबटाबाद से शुग्राह का रास्ता 90 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 2.5 घंटों में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। डीजल भी आगे से डलवाते हैं, और रास्ते की सिचुएशन ये है कि ट्रैफिक वगैरह नहीं है, रात का टाइम है। रात को जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलती रोड पर, आप आसानी से पहुँच जाते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त छाता इंटरचेंज पे, और ये इंटरचेंज जो है अगर आप कलंदराबाद वाली साइड से ही जाएं जीटी रोड से तो 28-30 किलोमीटर वो शॉर्ट पड़ता है, और ये वाला रोड जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है। और फरहान भाई ने खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं, ये हमने ले ली हैं उधर, क्योंकि समिट के दौरान हमें अंडे शंडे खाने पीने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे, वो सारा कुछ हमने सामान ले लिया है। कुछ ये ब्रेड श्रेड ले लिए। अभी इधर से हम जाएंगे, रश भी है थोड़ी सी क्योंकि ईद की वजह से लोग घूमने फिरने आ रहे हैं। सुबह फजर के टाइम पे ही आप देख लेंगे। अंडे में बॉक्स नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इस ट्रे में डाल के केक वाले धागे से बांधे। बालाकोट पहुंच चुके हैं और वजू किया है, नमाज वगैरह पढ़ी। खैर वजू मेरा तो था, इन्होंने भाइयों ने बाकियों ने नई नमाज पढ़ी, और इन्होंने नमाज वगैरह पढ़ ली है बाकियों ने। तो ये हमारे टीम मेंबर बाकी भी पहुंच रहे हैं, ये अभी गाड़ी वो सामने इन्होंने पार्क कर दी है। इधर से हम इंशाल्लाह अभी निकलने लगे हैं मकड़ा के लिए। तो क्या टाइम हो गया फरहान भाई? टाइम 5:30। 5:30 यानी कि 2.5 घंटों में हम ठीक टाइम पे पहुंच आए हैं यहाँ पे। परफेक्ट। अभी निकलते हैं बालाकोट से ऊपर सिरीपाए के लिए। एक मिनट घुमाए, जब भी बालाकोट आप आते हैं ना तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। साथ ही मस्जिद है और इधर इनके बेस्ट वॉशरूम्स हैं इसे लिए। बिल्कुल, नो डाउट। 7-8 वॉशरूम लगे। सामान एडजस्ट कर रहे हैं गाड़ी में, फरहान भाई जगह बना रहे हैं कि वही पहुंच आए हैं और कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। मकड़ा के लिए आपको शोग्राम वाले रोड पे चढ़ना है, ये वेलकम टू पाइन पार्क होटल वाला ये बोर्ड देख लें, यहाँ से आपने चढ़ना है, और यही रोड शोग्राम को भी लगता है, और शोग्राम से हमने आगे जाना है। शोग्राम का रोड शुरू से लेके तकरीबन 15-1 मिनट का रोड बहुत अच्छा है, फ्लैट टॉप है, और ये रिसेंटली इन्होंने किया है, और उससे आगे जो है अभी काम लगा हुआ है रोड का, कुछ अरसे में ये भी इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। फाइनली
शोग्राम पहुंच चुके हैं और काफ़ी रश भी है शोग्राम में इस टाइम। ईद की तादाद की वजह से लोग आए हुए हैं शोग्राम इंजॉय करने। मौजूद हैं इस वक्त हम शोग्राम में और बहुत प्यारा व्यू है इस टाइम पे। आवाम भी आई है यहाँ पे और आपको मैं दिखाऊंगी जो मैंने सबमिट की थी दिसंबर में, वो सामने जो आपको पीक नज़र आ रही है ये है चुरको। चुरको भी मैंने दिसंबर में सबमिट की थी और वो सामने जो आपको नज़र आ रही है इस तरफ थोड़ी सी ओझल है मूसे का मसाला MKM, ये दोनों मैंने सबमिट की थी दिसंबर में। इनके ब्लॉग्स भी आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड है। और आज हमने जिधर जाना है वो इस पहाड़ के पीछे है मकड़ा, और मकड़े का भी इसी तरह व्यू होगा जहाँ पे रात को हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसी स्नो पे टॉप पे हम रहेंगे। तो सोल फीलिंग्स होती हैं वो आप कुदरत के बड़े करीब हो जाते हैं, आपको चीज़ें जो है वो समझने आनी शुरू हो जाती है। तो मैं नौजवानों को तो ख़ास तौर पर मैं ये मैसेज है कि जी निकले वो अपने मुल्क को एक्सप्लोर करे, अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स करे। दो चार दिन अगर पहाड़ों में आदमी रहे तो उनकी बड़ी जो है ज़बरदस्त एनर्जी रिवाइव हो जाती है। आपने उम्र की बात की तो शायद हमें इतने ही साल लगे इस बात को समझने में कि पहाड़ों पे आना ही चाहिए। तो अभी जो हमें सुन रहे हैं और वो यंग एज वाले हैं तो मेरे ख्याल में हमारी बात मान ही जाओ, अभी से शुरू करो तो कुछ ज़्यादा ही कर लोगे। शोग्राम से ऊपर रोड की ये पोजीशन है, यहाँ से ऊपर फोर व्हील गाड़ी जा सकती है। शोग्राम तक आप कोई भी गाड़ी ला सकते हैं जिसकी पिक अच्छी हो। सबसे पहले तो हो गया मेरा टायर पंचर और ये देखिए टायर गैप बैट, इसको लगा है कोई पत्थर। ये देखिए ये रोड ही बड़ा डेंजरस था, अब देखें टायर चेंज करेंगे तो फिर यहाँ से निकलेंगे। अल्लाह खैर करे। दिस इज पार्ट ऑफ एडवेंचर, इसी का तो मजा है। ये क्या बात हुई, टायर पंचर हुआ और परेशान है। ये रोड इतना गंदा रोड है, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आपने नॉर्मल टायर वाली कोई गाड़ी लानी नहीं है, क्योंकि ये जीपों को तो ट्रैक्टर वाले टायर लगे होते हैं, इनके टायरों को कुछ भी नहीं होता। हमारे टायर हो गए हैं फारग, कट लग गए हैं उनको। खैर मैंने उसको तो मौके पर खुद ही पंचर लगा के हवा भर के, तो अब मैंने सोचा कि इसको नीचे ही लगाऊंगा क्योंकि ऊपर टॉप पर रश भी बहुत ज़्यादा है। वो बंदे बता रहे थे कि भाई ऊपर बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए आपको तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि गाड़ी नीचे लगाएं शोग्राम में और सीढ़ी पाए के लिए फिर आप पैदल जाएं या जीप पे जाएं। पहले हम जब गाड़ी लेके इस रोड से गुजर रहे थे जहाँ से जीपें आ रही हैं, हटो बच्चों का शोर था, खान साहब मज़े में थे, फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई हमने गाड़ी नीचे लगाई और अब ये जंगल में से कुत्ता ख्वारी करते हुए जा रहे। अगर आपको पहाड़ में वॉशरूम आ जाए तो ये आपको फरहान भाई टिश्यू दिखाएंगे। फरहान भाई टिश्यू दिखाएं, टिश्यू फरहान भाई टिश्यू दिखाएं जी, दिखाएं ना। अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं, ये नेचुरल टिश्यू है। ये आपने रगा बगा करने के बाद इनको यूज करना है। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जब कभी आप सीढ़ी पाए जाएंगे शोग्राम से ऊपर अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो आपको जो तीन दिन पहले की खुराक भी अंदर बची होगी ना वो भी हजम हो जाएगी। और अगर आप इस जंगल से जाएंगे फिर नेचुरल प्रोसेस होगा, और जैसे आप फरहान भाई को तीन दिनों के बाद रगा बगा करने का मौका मिला है वो उधर चले गए, और जो इधर सुकून है ओ हो हो, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, दरख्तों की एक बड़ी मज़े की बीनी बीनी सी खुशबू है, प्यार प्यार के दरख्त की एक बड़े मजे की, और क्या खामोशी है। ओए होए होए, सुने जरा इसको फील करें। अभी आपको एक बंदा निकलता हुआ नजर आएगा जो
रागा पागा करके आए हैं, वो आ रहे हैं। ये इन्हें अब दुनिया का कोई गम परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि ये गम जंगल में मिटा आए हैं। श्री भाई गाड़ी लानी है, श्री भाई जलालत ही है क्योंकि इतनी रश है ना, गाड़ी पार्क करने की जगह अगर आप मकड़ा जाएंगे तो आपको तो यही फिक्र रहेगी कि गाड़ी का क्या होगा। ये देखें कितनी रश है। सीजन में बेहतर ये है कि ये रोड भी बहुत ख़राब है, टायरों का भी कबाड़ा और गाड़ी भी अनसेफ, बेहतर ये है कि नीचे ही लगा के। और फाइनली सीरी नज़र आ चुकी है, ये पता नहीं किसकी सीरी है। 2 घंटे लगे हमें शुक्रान से सीरी, और अगर पाए जाना है तो उसके लिए 1 घंटा और। अभी बज रहे हैं 2, चले हम 12 बजे। ओह टेंट हमारे इस्टेब्लिश हो गए हैं सीरी पे, आज नाइट स्टे हमारा यहाँ पे है। एक टेंट हमारा ये है। पाए वो सामने है और मकड़ा जो है वो ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है पीछे, या ये आई थिंक वो सामने मकड़ा है। सुबह हम इंशाल्लाह मकड़े पे जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपको मकड़े का व्यू भी दिखाएंगे। सोने की तैयारी हो रही है हमारी, खाना खा चुके हैं। बाकी चाय पी लेना फिर सुनो, हम सब को क्योंकि सुबह हमने 4 बजे या 3 बजे निकलना है मकड़े की समिट के लिए, तो इसलिए अभी से ही हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। बस चाय पियेंगे और उसके बाद सो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको मैं इजी कर रहा हूं, इसकी जरूरत हाफ मिल्क ऑफ वाटर। खान भाई बहुत मजे की चाय बना रहे हैं, इसमें इन्होंने आधा कप दूध और 5 कप पानी डाला है और बहुत ही प्यारी चाय बना रहे हैं। हमारा लगा हुआ है कैंप और हम आए हैं अभी इन भाइयों के पास, और इनका जज्बा चेक करें। ये इन्होंने आग जलाई है, ये साथ चाय बना रहे हैं, और कैंप इनका जो है ना ये चेक करें, ये इसको कैंप बनाएंगे। ये तरोड़े का इन्होंने बनाया हुआ है, और शौक चेक करें, मैं आपको जो चीज़ चेक करा रहा हूँ कि ये जज्बे की बात है। और इन्होंने ये जो कंबल की मैं कह रहा हूँ कैसे गुजारा करेंगे, और ये कह रहे हैं हमारे पास कंबल है ना, और ये देखें ये भाई गुजारा करेंगे। तो ये हम कहते हैं कि हम कहीं बहुत ज़बरदस्त ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर तो मैंने कहा कि ये माशाल्लाह जज्बा चेक करें। मेरे को कैंपिंग का शौक है तो इधर ये कैंप कर रहे हैं। ये अभी देखें रात हो गई है तेरा छा गया, नहीं हम तो चाय पीते हैं, हमने अभी 1 मिनट हुआ पी लिया। सब पहाड़ों के लोग भाई, शाम के टाइम पे सीढ़ी में ये पोजीशन है, सब लोग चले गए, दिन की रौनकें ख़त्म। और अभी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, इधर एक वॉशरूम है, वहाँ से करूँगा वजू, नमाज पढ़ूंगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो पर नमाज तो माफ नहीं है, अल्लाह पाक कबूल करें तो इंशाल्लाह इधर नमाज पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा। खाना आपको इधर सिर्फ इस होटल से मिलता है, और इस होटल का खाना भी अच्छा है। चिकन कढ़ाई हमने खाई थी इनकी, और बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, रोटी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस होटल का नाम क्या है भाई जान? होटल का नाम क्या है? सिरी होटल, मुश्ताक होटल और सिरी होटल। बाहर का व्यू चेक करें, सब सो रहे हैं। बिलाल भाई बस अब हम बिस्तर खोल दिए हैं सबने, मैं बिस्तर में आ चुका हूँ, जैकेट पहन के खाएंगे क्योंकि ठंड बहुत है। ये सामने
आवाज आ रही हो क्या? ये बड़ी लड़ी स्टार्ट हुई है, ये इधर भी है, ये ट्रैक्टर ट्राली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह हो चुकी है, फरहान भाई बना रहे हैं हमारे लिए बेहतरीन सा नाश्ता, बज रहे हैं 4, हम थोड़ा लेट हैं। और सुबह हमने होटल वाले से रिक्वेस्ट भी की थी उसी में कि हमें नाश्ता बना के दें, और उसने हमें दगा दे दिया। इतनी सुबह सवेरे नाश्ता नहीं मिलेगा, हम चाय बना रहे हैं साथ में अंडा। अंडे के फरहान भाई ने 14 अंडे लाए हुए हैं, 2-2 अंडे हम सब खाएंगे, अपने लिए उन्होंने 3 लाए क्योंकि ये बहुत भूखे हैं। जिंदगी में पहली बार मैं अंडा बना रहा हूँ इस तरह कैंप पे, अंडा खराब किया मैंने। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका, जैम एग्स टी और बलू बदनाम बलराम बलराम जी बलू बदनाम। ट्रैवल के दौरान बेस्ट फूड एग जैम और ब्रेड, इजी टू यूज ईट, इजी टू एंड डाइजेस्ट। टेंट हमने कर दिए क्लोज, निकलने वाले हैं, थोड़ा सा लेट भी हो गए, 6 बज गए, कोशिश हमारी ये थी कि हम 4 बजे निकल जाएंगे और 2 घंटे लेट हो गए। ये हैं जी क्रिम्पॉन्स और इनको यूज़ किया जाता है स्नो के लिए, वो स्टॉप के लिए ये पहन रहे हैं। ये जूते के ऊपर इस तरह लगता है, ये भाई जान जूता उठाएं, ये इधर ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये नुकीले इसके नीचे से ये निकले होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको नुकीले, ये जब आप कीचड़ ज़्यादा कीचड़ हो जहाँ पे स्लिप हो रहे हो या जहाँ पे वो स्नो है, ये जैसे टॉप है जहाँ पे हमने अब जाना है, तो वहाँ पे आपको ये स्लिप नहीं होने देगी इंशाल्लाह। तसबीह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिर इन्नहू काना तव्वाबा, दुआ फरमाएं। अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्ली अला मुहम्मद व मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह हमें खैरियत से पहुंचा दे, आमीन, खैरियत से वापस ले आए, आमीन। हम आपके कुदरत के नज़ारों को के लिए सिर्फ देखने के लिए आए हैं, आमीन, कोई मकसद नहीं है, आमीन। एक अच्छी काविश है, आमीन। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमा, आमीन। और इवन हमें अपने आलो आयाल तक खैरियत से वापस पहुंचा दे, आमीन। सल्लल्लाहु ताला खैर मुहम्मद आमीन आमीन। और सुबह के बज रहे हैं 6 और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने मूव करना शुरू कर दिया है मकड़ा टॉप की जानिब, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम समिट करके तो शाम को वापस नीचे पहुंचेंगे। सीढ़ी से हम पाई की तरफ मूव कर रहे हैं और इंशाल्लाह मकड़ा टॉप जाएंगे, लेकिन हमारी टीम में 2 नौजवान ऐसे हैं जो दिल के जवान है, एज तो इनकी 50+ है लेकिन एज नहीं, ये काम जज्बे से होते हैं और शौक से होते हैं और हिम्मत से होते हैं। और ये हैं उबैद भाई पेशावर से, और ये पीछे से आ रहे हैं डॉक्टर साहब, ये भी डॉक्टर साहब भी पेशावर से हैं, डॉक्टर मुख्तियार जमान, और ये दोनों माशाल्लाह इनके हौसले बुलंद हैं, और इनसे पहले भी इन्होंने बहुत ट्रैक्स किए हुए हैं, बहुत समिट्स किए हुए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रैवलर हैं और ट्रैकर हैं, और इनके जज्बे को देख के हमें ये लग रहा है कि इंशाल्लाह इनके साथ हम भी समिट कर लेंगे। तो जो भाई घरों पे जोहान भाई अक्सर कहते हैं यार आप कैसे चल लेते हो, हमारे लिए ये मोटिवेशन हैं, हम इनको देख के चलते हैं, आप भी ये सोचें ये अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जज़ाकअल्लाह। फाइनली पाए मेडोज पे पहुंच चुके हैं, 45 मिनट्स की हाइक की है हमने, वो नीचे से सीढ़ी से चले हैं, 45 मिनट्स में पाए पहुंचे। पाए की हालत यह है कि कचरा किए हुए सारा, डंडे ही डंडे,
पिंजरे पिंजरे कोई तरीकाकार नहीं बनाए, लेकिन खूबसूरती को भी मद्देनजर रखें। अब जैसे ये पीछे थोड़ा सा रेड ढाबा बना है कुछ बेहतर है, बाकी इन ढाबों ने खूबसूरती को मांद कर दी। दिसंबर से फरवरी तक जो स्नो आपको मिलती है उसके ऊपर आप विदाउट क्रम पहुंच जा सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद जो स्नो होती है ये ककर इसके ऊपर पड़ पड़ के ये इतनी हार्ड हो चुकी होती है। अभी मैंने ये पाँव के ऊपर एक्सट्रीम प्रो के ग्रिपर पहने हुए, ये क्रिम्पोन्स का नमल बदल तो नहीं है लेकिन ये लाइट वेट हैं, अगर कभी आपसे क्रिम्पोन्स रह जाए तो ये अक्सर बैग में पड़े रहते हैं और ये आपके काम आ जाते हैं। ये 1800 रुपये के मिलते हैं, एक्सट्रीम प्रो पाकिस्तानी कंपनी है। छोटे मोटे कीचड़ और हल्के फुल्के ककर बर्फ में स्लिप होने से आपको बचाते हैं और ये बहुत लाइट वेट है। ये सामने शुग्रा है, ये रही सीरी, ये रहे पाए और ये रहा आपका मकड़ा, हमने पहुंचने मकड़ा, और ये रहा आपका मूसे का मसाला, ये आई थिंक ये वाला, ये मूसे का मसाला है और ये जो आई थिंक मुझे लग रहा है ये चुड़को लग रही है, यही में से है क्योंकि उस तरह से मैंने चुड़को और मूसे का मसाला दोनों सबमिट की हुई हैं, उनके व्लॉग्स आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये रहा पाए मेडोस, वो पीछे वाला जो पाए वाला मेडो है एक छोटा वो तबाह हो गया था, मैंने आपको दिखाया, अब ये आगे वाला मेडो है, अगर यहाँ पे भी पर वक्त एक्शन न लिया गया तो आने वाले सालों में ये भी तबाह हो जाएगा, आपको सिर्फ ढाबे नजर आएंगे, मेडो खत्म हो जाएगा। तो ये कुमत से भी और कामे वाला से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये इनकी रिक्वेस्ट है, ये आपके पाकिस्तान के एक मायनाज ट्रैकर हैं तो इनकी कम से कम सुन लें, इनकी एज का लिहाज कर लें, हम तो बच्चे हैं। तो अभी चलेंगे मकड़ा की तरफ, यहाँ से उड़ाते हैं ड्रोन, फरहान भाई ने उड़ा दिया, हम भी उड़ा के दिखाते हैं आपको कुछ ड्रोन शॉट्स। पाए गए मेडो पे ग्रीनरी आनी शुरू हो गई है, वाह क्या खूबसूरत व्यू है, और ये अब ग्रीनरी दिन ब दिन बढ़नी शुरू हो जाएगी और एक महीने के बाद फुल कारपेटेड ग्रीनरी आपको मिल जाएगी इधर इंशाल्लाह। फिर आप जाइएगा मकड़ा, तब तक वहाँ पे स्नो भी बहुत कम हो जाएगी। इस ट्रैक पे आपको पानी कहीं नहीं मिलता, ये वाइट जो स्नो पिघली हुई है और इसी का पानी जो जमा हुआ थोड़ा मेल्ट हुआ, यहाँ से बॉटल हम भर लेंगे, यही हमें आगे काम आएगा इंशाल्लाह। यहाँ से अभी भरेंगे पानी, पाए मेडो से दो ट्रैक आते हैं, एक ही नीचे से एक ही ऊपर ऊपर पहाड़ से, पहाड़ वाला स्टीप ज़्यादा है और ये वाला आखिर में जाके स्टीप है, बट एक ही दफ़ा स्टीप आएगा, इसलिए हमने पहले हम ये ट्रैक करके जाएंगे सारा, फिर आखिर में स्टीप मारेंगे ताकि एक ही दफ़ा थके, बार बार ना थके, सारे रास्ते में ना थके। बिलाल भाई कह रहे हैं कि इधर से ही ऊपर चढ़ना चाहिए, रीज़न ये है कि ये देखें यहाँ से ये रास्ते में ना ग्लेशियर्स आए हुए हैं और ये कोई भी बंदा स्लिप हो सकता है, ख़ास करके जिनके पास क्रिम्पॉन्स नहीं है, इनके पास तो क्रिम्पॉन्स हैं, इनके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि सबके लिए
पॉसिबल नहीं है। सही है। वो देखें कितना डेंजरस है, वो बड़ी मुश्किल से इसको क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से अगर नीचे गए तो फिर वो नीचे, तो अल्लाह माफ़ करे, फिर कुछ भी नहीं मिलना। तो बहुत एहतियात के साथ यहाँ से हम फिर ये देखें फरहान भाई ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ टीम मेम्बर्स वो पहुँच गए, मकड़ा अभी उससे बहुत पीछे पीछे। कुछ टीम मेम्बर्स ये आ रहे हैं, चले हम ये पाई मेडो है, और चले हम वो पीछे जो पहाड़ नजर आ रहा है उससे थे, और शोग्रा आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा आपका शोग्रा, बहुत दूर है वो भी। वैद भाई टीम को लीड कर रहे हैं माशाल्लाह सबसे आगे, फरहान भाई हैं बट वो वैद भाई को मैं मानूंगा क्योंकि इस एज में बुलंद हौसले के साथ सबसे आगे हैं, इनको मैं अभी पहुंचाऊं, ये सबसे आगे थे। डॉक्टर साहब सबसे पीछे आ रहे हैं, लेकिन ये कि हौसला नहीं आ रहा, अभी चल रहे हैं माशाल्लाह। मैं और डॉक्टर साहब पीछे रह गए, टीम हमारी वो सामने से जा रही है, और अभी इसके बाद ये पहाड़ है अगला, मिनी मकड़ा, और मिनी मकड़ा के पीछे फिर ओरिजिनल मकड़ा। टोटल चार, मतलब इस तरह से पाए से आगे चार इस तरह के पहाड़ आते हैं छोटे, दो हम कर चुके हैं और दो करने हैं, और लास्ट मकड़ा है चारों में से। आजकल के लड़कों के लिए सबक आपको दिखाता हूँ, इस लड़के सारे फरहान भाई ट्रैकर में ये हूँ, और उबैद भाई वो टॉप पे लगे हुए हैं। ये अलग बात है, मैंने ड्रोन उड़ाया हुआ था सोचे पीछे रह गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनका हौसला चेक करें सबसे आगे माशाल्लाह। अभी तक की सबसे जो गंदी चढ़ाई है वो ये है, चेक करें कितना स्टीप है। ये आपने तैयार होके आना है, ये तो शुक्र है धूप की वजह से ये थोड़ा नरम हुआ हुआ है स्नो, वरना इसके ऊपर ग्रिम्पॉन्स के बिना चलना भी बड़ा अजाब था, और अगर आप इधर से स्लिप हो जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होना है फिर आपके साथ। पैंतीस सौ मीटर मैंने बनाई अल्टीट्यूड पे फरहान भाई चाय को ज़ाया करते हुए, याद होगा आपको मूसे के मसले पे इन्होंने चाय गिरा दी थी घंटा मेहनत करने के बाद। वो ये था, ये जो मुंह छुपा रहा है अभी, मौजूद भी नहीं है। बिलाल भाई ने उधर चाय को सारी बना के आधा घंटा फिर वेस्ट कर दी थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर आपने पहाड़ों में चाय बनानी है उसके लिए आपको ये वाले बर्तन चाहिए जो के 2900 रुपए के मिलते हैं, और साथ में ये आपको चूल्हा मिलेगा, ये चूल्हा एपीआई गैस को यूज़ करता है, ये एपीआई गैस का सिलेंडर है, ये 800 रुपए का है, 2 घंटे चलता है, ये 7 चूल्हा है, लॉन्ग टर्म चल सकता है एहतियात से करें, और ये बर्तन है, ये हाई अल्टीट्यूड पे एक तो पतले होते हैं जल्दी गर्म होते हैं, और इसके अंदर चाय वगैरह खाना जो आप बनाना चाहें, ये फ्राई पैन ये सारा कुछ, और वो कप ये एक ही देगची के अंदर छोटी सी स्पेस में इतनी जगह में सारे आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। समिट की तरफ हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, आखिरी पीक रहेगी ये इंशाल्लाह। मौसम ख़राब होना शुरू हो गया, बादल बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और बादल जो है ना वो डरा रहे हैं हमें, अल्लाह ख्याल करे। बस अल्लाह ने चाहा हम बस समिट की तरफ निकलते हैं, इंशाल्लाह समिट करके वापस आएंगे। डॉक्टर साहब वो आ रहे हैं, एक भाई मेरे साथ हैं अफाक भाई,
फरहान भाई ये जा रहे हैं, बिलाल भाई ये जा रहे हैं और उबैद भाई वो जा रहे हैं। और इस वक्त मकड़े का व्यू चेक करें आप, हो सुभान अल्लाह। मौसम ने भी हमारे साथ ड्रामा शुरू कर दिया, गरज रहा है। बादल देख लें आप, व्यू तो प्यारा हो गया लेकिन मुश्किल बहुत है अब। और वो तो हमारे पहलवान जा रहे हैं, वो चलाने वाले ये, वो तो आपको छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे माशाल्लाह। समिट के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ, ये समिट है और देख ले स्नो बहुत ही ज्यादा है। सुभान अल्लाह। सवा एक हो चुका है, हालत बहुत गहरा है इसलिए फोन भी नहीं हो रहा। ये रही समिट, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पाँव फिसल जाए तो बस आपका काम हो गया। जिसे मैं टॉप समझ रहा था वो टॉप नहीं है, टॉप फिर पीछे है। ओहो अल्लाह अकबर, अभी भी दूर है और ऊपर से मौसम मौसम बहुत ख़राब हो गया, बादल ही बादल आ चुके हैं। फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। हो अल्लाह पाक रहम करें, आपको नज़र आ रही होगी जाती। और आखिरकार अल्लाह पाक का गर्म हुआ है और है मैं पहुंच गया हूँ समिट पे। सबसे पहले बिलाल भाई और उबैद भाई पहुंचे थे और उबैद भाई की तो हिम्मत को सलाम, अपने दोस्त को वापस लेने वो नीचे चले गए, उसको लेके वापस आएंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम, ये समिट की बुती लगी हुई है लेकिन ये कि बहुत मुश्किल ट्रैक है, अल्लाह माफ़ करे। नानी याद करा दी इसने, अभी जल्दी जल्दी उड़ाता हूँ ड्रोन और आपके लिए लेते हैं खुले से शॉट और निकलते हैं यहाँ से क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है। पुरानी ब्रेड बची हुई थी सूखी हुई, इधर से नहीं उतर रही पर नीचे पहुंच रही है तो जान आ रही है इससे। दूसरा हम छह लोग चले थे, वक्तन फवक्तन रुकते 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 अब तीन लोग हम समिट में हैं, बाकी सब एक वापस समिट करके चले गए हैं, दो रास्ते में रुक के एक बल्कि साथ थे एक भाई बीमार हो गए चले गए। इसलिए आप यहाँ जब भी आए ये क्रिम्पोर्ट्स लाजमन लेके और उसके बाद ग्लव्स अपने पास, गर्म जैकेट, यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर माइनस में, हालांकि अप्रैल चल रहा है और स्नो बहुत ज्यादा है, अब अगर आते भी हैं तो जून के बाद ही आए। अल्लाह हाफिज। Yeah.